श्री राधे राधे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही पवित्र स्थान पर लेकर आए हैं, जिसे फूल वन, फूल कुंज या बिछुआ कुंड के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, फूल कुंज, बिछुआ कुंड, यहाँ पर श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ आया करती थी और कहते हैं कि आज भी नित्य रास स्थली है ये, और भगवान का यहाँ पर नित्य रास होता है। रात्रि के समय यहाँ पर कोई भी ग्रामीण आने की हिम्मत नहीं करता है। जिस तरीके से निधि वन में अनेकों रहस्य भगवान के हैं, उसी तरीके से यहाँ फूल कुंज में भी अनेकों दिव्य रहस्य श्री राधा कृष्ण के हैं। और कहते हैं कि किशोरी जी का यहाँ पर बिछुआ जो है खो गया था, जिसकी तलाश करने आज भी राधा रानी की सखियाँ यहाँ पर आती हैं। ये सामने आप देख पा रहे हैं बिछुआ कुंड, इसी स्थान पर बिछुआ गिरा था उनका, जिस कारण से इस स्थान का नाम बिछुआ कुंड पड़ा। यहाँ पर श्री जी अपनी सखियों के साथ पुष्प लेने आया करती थी और भी अनेकों लीलाएं यहाँ पर राधा रानी ने की हैं। यह बिछुआ कुंड आप देख पा रहे हैं राधे राधे। यहाँ पर एक दिव्य साधु रहते हैं, जो कि धरती के अंदर गुफा बनाकर यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। ऐसे दिव्य संत के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। उससे पहले आप बिछुआ कुंड की जो प्राचीन छवि है वह देख सकते हैं। यहाँ पर ये प्राचीन सीढ़ियाँ हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अद्भुत, अपने आप में दिव्य स्थान है। और यहाँ पर जितने भी वृक्ष हैं, यह सभी पिछले जन्मों के ऋषि मुनि हैं, ऐसा बताया जाता है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि राधा रानी आज भी अपने होने का प्रमाण यहाँ पर देती रहती हैं। यह आप पूरा फूल कुंज आप देख पा रहे हैं। उधर सामने जो कुटिया है, उसका ताला लगा होने की वजह से हम आपको नहीं दिखा पाएंगे कि उसमें श्री जी के चरण हैं। अभी हम चलते हैं उन संत की तरफ। ये हमारे मित्रगण यहाँ पर हमारे साथ जो आए थे, ये बैठे हैं और संत से कुछ बातें कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इन पेड़ों के बीच में, इन झाड़ियों के बीच में संत तपस्या कर रहे हैं। वो भी एक गुफा बनाकर उसमें अंदर बैठे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके का यह जो वन है, अपने आप में एक रहस्यमय वन है यह। देखिए, यहाँ धरती के अंदर गुफा बनाकर यह संत बैठे हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे मित्र इनसे वार्तालाप कर रहे हैं और उनसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति करके अपने जीवन को धन्य बनाने की कोशिश यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ये संत हमें बता रहे हैं कि एक बार रात्रि के समय उन्हें यहाँ पर अंधेरे में कुछ और कुछ मतलब सखियाँ दिखी थी। उन्हें नहीं पता था कि वो साधारण स्त्री हैं, साधारण बालिका हैं या कौन हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम बिछुआ ढूंढ रहे हैं, जो कि श्री जी का खो गया था। यह सुनकर संत एकदम से चौंक गए और उन्होंने जब वहाँ पर लालटेन या टॉर्च से उजाला किया तो वह तीनों वहाँ से गायब हो गई। तो संत ने हमें बताया कि वह तीनों श्री जी की सखियाँ थीं और वह आज भी यहाँ पर बिछुए की तलाश करती हैं। यह बहुत ही दिव्य स्थान है। निधि वन की तरह यहाँ भी रहस्यों से यह पूरा वन भरा हुआ है। और हम आपको बता दें कि यह बरसाना के चिक्सौली में रूपनगर मार्ग पर बना हुआ है। यह स्थान है दिव्य स्थान, जो कि हजारों लाखों वर्ष प्राचीन है। और यहाँ पर रात्रि के समय कोई भी नहीं आता है। यहाँ पर राधा कृष्ण की, श्री राधा कृष्ण की लीलाएं आज भी निरंतर जारी हैं। ऐसे दिव्य स्थान के आप जरूर दर्शन करें, एक बार जरूर आएं। और ऐसे महान संत, जो कि धरती के अंदर गुफा बनाकर यहाँ पर ब्रज में तपस्या करते हैं, ऐसे संतों के भी दर्शन जरूर करें। ऐसे संतों के दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाता है। श्री राधे राधे।